छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल को प्रमोट करने के उद्देश्य को लेकर दुर्ग से निकली बाइक राइडर नम्रता सिंह, जिसे दुर्ग जिला कलेक्टर व एसपी ने झंडी दिखाकर किया रवाना। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के मकसद से दुर्ग की बाइक राइडर डॉक्टर नम्रता सिंह गुरुवार को दुर्ग से भारत भ्रमण के लिए रवाना हुई, जिन्हें दुर्ग जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा व पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं बाइक राइडर नम्रता सिंह ने बताया कि 18,000 किलोमीटर की यात्रा में अपने साथियों के साथ देश के लगभग सभी प्रदेशों का भ्रमण करेगी। इस दौरान लोगों के बीच जाकर फोटो व वीडियो के माध्यम से वे देश के पर्यटन स्थलों और उनकी विशेषताओं से लोगों को अवगत कराएगी, साथ ही लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित भी करेगी। उनकी इस यात्रा में पर्यटन मंत्रालय भी सहयोग कर रहा है। साथ ही डॉक्टर नम्रता ने कहा कि भारत के पर्यटन स्थलों को दुनिया भर में पहचान मिल सके, इस मकसद से वे अपने साथियों के साथ भारत भ्रमण के लिए निकल रही है। उनकी इस यात्रा पर जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, एसपी अभिषेक पल्लव ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। इस संबंध में दुर्ग कलेक्टर व बाइक राइडर ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत ही एक अलग बात है, बहुत ही स्पेशल बात है और बहुत ही गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ से अकेली हैं जिनका इसमें एक तरह से सिलेक्शन हुआ है और इतनी अच्छी एक एडवेंचरस राइड पे जा रही हैं और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्रमोट कर रही है और 18,000 किलोमीटर की राइड है। और अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ से भी दुर्ग से और हमारी बच्चियाँ इस तरह का अच्छा काम कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हमारी एक बच्ची ने ब्रॉन्ज मेडल लिया था, तो दुर्ग का भी नाम आगे हो रहा है, छत्तीसगढ़ का भी नाम हो रहा है और स्पेशली है कि जो देश की जो स्टेट की बेटियां हैं वो नाम रोशन कर रही हैं। थैंक यू सर। ये ऑल इंडिया मोटरसाइकिल राइड है, यहाँ भिलाई दुर्ग से मैं या छत्तीसगढ़ से मैं अकेले निकल रही हूँ, दिल्ली पहुँचूँगी। दिल्ली में और भी मेरे साथी राइडर्स हैं, वो सब साथ में जुड़ेंगे एंड वहाँ से हम भारत भ्रमण शुरू करेंगे। एंड इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम नहीं ये इस मिशन के साथ हम चल रहे हैं कि हम जो भारत के टूरिज्म है उसको प्रमोट करेंगे, जो फिटनेस है उसको प्रमोट करेंगे सर। क्योंकि आज़ादी को 75 साल हो गए हैं एंड एक अलग तरीके से भारत का नाम रोशन करना है एंड मेन मकसद ये है कि वर्ल्ड मैप पे टूरिज्म को प्रिंट करना है सर। तकरीबन ये 18,000 किलोमीटर की यात्रा है एंड भारत के हम सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कवर करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।